अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, इस मजे में हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। जी आई नू वेलकम, खुश आमदीद। और जनाब, लास्ट वीक आपका कैसा गुजरा मुझे जरूर बताइएगा। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया? और जिस तरह हम सितंबर से ऑनवर्ड्स बिल्कुल रेगुलर हो गए हैं जनाब, मेरे साथ बिल्कुल मेरी को आरजे भी मौजूद हैं अक्साजादा, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और साथ साथ मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ कि आज हमारे शो में एक गेस्ट भी मौजूद होंगी यकीनन, और एक करेक्टर भी होगा। आगे चल के उस बारे में आपको जरूर बताएंगे। अभी हम आपको अपनी को आरजे से वापस उनको वेलकम करते हैं, बल्कि वेलकम क्या करना है, अपना ही घर का मामला है जैसे। तो अक्सा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, खुश हैं? वालेकुम अस्सलाम शान, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मेरे तमाम लिसनर्स भी ठीक होंगे और जो है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो वर्किंग डेज भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं और साथ साथ हमारा वीकेंड भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, हमारा संडे भी अच्छा होगा। और जो है वो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के वीक कैसे गुजर रहे हैं, आपके वर्किंग डेज किस तरीके से गुजर रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया जाए, यानी उनको बुलाया जाए, तो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी जो है वो बोलने का मौका दिया जाए। फर्स्ट टाइम हमारे साथ वो आई हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं उनसे बात करूंगी। तो उनका नाम है अरीना खान। तो अस्सलाम वालेकुम अरीना। वालेकुम अस्सलाम। जी अरीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अरीना बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। अच्छा अरीना, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि आई एम श्योर कि शायद ये आपका फर्स्ट शो नहीं हो, आप पहले भी इस तरह किसी ना किसी शो में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, बताएंगे कुछ? नहीं, ये मेरा फर्स्ट शो है, मैं किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अच्छा, चले वेलकम, हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं, फर्स्ट शो में आपके। मुझे ये बताइएगा कि आपकी आजकल लाइफ कैसी गुजर रही है, हेक्टिक है या बहुत पीसफुल है? पीसफुल है। वाओ यार, पहली बंदी है सा जिनसे सुनने को मिल रहा है कि लाइफ पीसफुल है, वरना हर कोई कह रहा है यार इतनी परेशानियां, ये वो दिस एंड दैट, बिजली के बिल और राशन, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं अगले बोल जाते, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अरीना की लाइफ को पीसफुल रखा हुआ। तो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे अरीना? पहले बताएगा कि आपने स्टडीज क्या की हुई है, क्या क्या अब तक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपकी एक्टिविटीज क्या है, हॉबीज क्या है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं लिसनर्स ताकि जान सके। मैं अभी बी ए पार्ट टू पढ़ रही हूँ और उसके अलावा मैं चंद कोर्सेज भी कर रही हूँ, जैसे कि कस्टमर सर्विस डिटेल सेल्स का, कॉल सेंटर का, इंग्लिश प्रोफेशनसी कोर्स कर रही हूँ अभी। और मेरी हॉबी ज्यादातर रेडियो सुनना और ड्रामे देखना है। अच्छा, वेरी गुड, रेडियो सुनना और ड्रामे देखना, इसका मतलब है भाई फिर तो हम आपको अपने साथ शामिल कर सकते हैं ना, आप हमारा शो जरूर सुनेंगे, हमारी रेगुलर लिसनर बन जाएंगी। जी ओके, तो बिल्कुल अरीना को मैं जान गई हूँ क्योंकि ये मेरे साथ ही हुआ करती है कस्टमर सर्विस में, तो जो है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अरीना आपको रेडियो का बहुत शौक है। इसके अलावा अरीना आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या आपको पसंद है? मतलब ये तो आपने अपनी हॉबीज हमसे शेयर कर ली, अपनी स्टडी के बारे बता दिया, मतलब कोई कौन सी एक्टिविटी है जो आपके बहुत पसंद है, जिसको करके आप बहुत रिलैक्स फील करती हैं या आपको अच्छा लगता है, मतलब कोई आउटिंग वगैरह, कोई इस तरह की चीजें, कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? मुझे प्लांटिंग करके बहुत मजा आता है, ये बेस्ट हॉबी। वाओ यार, ये मींस के अरीना नेचर के साथ भी बहुत अटैच्ड है। और मजे की बात ये, अब तो हम ये अरीना तो अरीना की तो एक तरीके से हॉबी है, लेकिन अब हमें तलकीन यही की जा रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अब हर वेदर में एक एक्सट्रीम लेवल आ गया, जैसे कि आज तक कराची में कभी इतनी ज्यादा ठंड नहीं हुई थी, इसी तरीके से आज तक कराची में इतनी ज्यादा कभी बारिशें नहीं हुई थी, वेदर जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके चेंज हो चुका हुआ है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज आ चुका है, तो प्लांट हमारे लिए उतने ही जरूरी हो चुके हैं, जैसे कि एक जिंदा रहने के लिए पानी, आबो हवा, खुराक जरूरी होती है इसी तरीके से। और मजे की बात आपको कि प्लांट हमें सिर्फ
ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमें फ्रूट्स भी देते हैं, हमें लश ग्रीनरी भी देते हैं, एक व्यू बहुत अच्छा कर देते हैं जब उनके ऊपर फूल खूबसूरत खूबसूरत खिलते हैं, तो वो एक हसीन मंजर पेश करते हैं। इसी तरीके से आगे जब बड़े होके वो दरख्त बनते हैं तो दरख्त से हमें क्या कहते हैं लकड़ी भी मिलती है, लकड़ी से फिर हम लोग बहुत कुछ जैसे कि फर्नीचर हो गया और भी मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। तो माशाल्लाह से अरीना, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप नेचर से अटैच्ड हैं, और मेरी भी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं वक्फे वक्फे से प्लांटेशन करता रहूं। मैंने अभी कुछ अरसा पहले आई थिंक सो शायद फेब में अक्सर को याद होगा कि हमने एक प्लांटेशन ड्राइव रन की थी नई सुबह के प्लेटफॉर्म से, तो उसमें भी हमें बड़े मजा आया था, काफी हमने एंजॉय किया था। हम लोग सफारी पार्क गए थे, वहां पे हम लोगों ने पहले तो खूब एंजॉय किया, गेम्स खेली, घूमे, वहां का जो जू है वो विजिट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं वहां पे प्लांटेशन की थी, ऑलमोस्ट 100 प्लांट्स लगाए थे वहां पे। और ये जो है सफारी पार्क वालों की जो इंतजामिया है उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हमने कर लिया, फिर हमने वहां पे राइड्स भी ली थी, तो हमें तो खूब मजा आया था। जी अक्सा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्लांट्स लगाने का, प्लांट्स के मतलब प्लांट्स ड्राइव पे जाने का, क्योंकि इससे पहले मैंने जिंदगी में मम्मा मतलब करती थी ये प्लांट्स वाला काम, अभी भी करती है, मैंने हमेशा पानी दिया है लेकिन मैंने कभी लगाया नहीं था कि भाई पौधा किस तरीके से जमीन में लगाते हैं और किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज करते हैं। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, आप लोगों ने जब करवाया था, तो मुझे बहुत मजा आया था, और एक शौक होता है कि यार ये चीज जिंदगी में एक बार भी हो, बट एक्सपीरियंस हर चीज इंसान को कर लेनी चाहिए कि जी वो ये कर सकता है। सो इसके लिए मैं अपनी नई सुबह की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज उस तरीके से हमें करवाते रहते हैं और हमें बहुत मजा आता रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अक्सा ने भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बयान कर दिया अपना मौकिफ। तो मुझे ये बताएं अक्सा कि आपने लास्ट वीक में क्या क्या किया पढ़ाई के अलावा, भाई ये बता देना, मैं फिर बता रहा हूँ पढ़ाई का मत बोलना शुरू हो जाना, अब बस बहुत थक गया हूँ मैं पढ़ाई से, वो ऑनलाइन पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, कहीं घूमने फिरने गई? नहीं, कहीं भी घूमने फिरने नहीं गए, क्योंकि मेरे जो है वो 26 सितंबर से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 26 सितंबर से कुछ याद आ गया मुझे दोस्तों, 26 सितंबर को हमारी प्यारी खूबसूरत सी आरजे की बर्थडे भी आती है, तो मतलब आज है तकरीबन एक हफ्ता रह गया है हमारी आरजे की बर्थडे आने में, है ना भाई? तो कितने साल की हो जाएंगी? चुपके से कान में बता दे मुझे, चुपके से, ऑन एयर ना बताना, चुपके से कान में बताना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, समझ आ गई, सही भाई सही। तो अच्छा चलो ये बताएं कि आपके बर्थडे के वाले से क्या प्लान है? पेपर दे रही होंगी कि मेरे क्या प्लान्स हो सकते हैं। हाँ, ये यूनिक स्टाइल है ना वो प्लान बर्थडे सेलिब्रेट करने का, कि भाई क्वेश्चन नंबर वन व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन नंबर टू हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, वाओ कितना अच्छा तरीकेकार होगा ना। ये तो आप कह रहे हैं ना कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चले अरीना से पूछ लेते हैं, हाँ अरीना से पूछ लेते हैं कि भाई वो अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हैं। अरीना, घर पे रहके और फोन पे विशेस रिसीव करके। अच्छा, फोन पे फ्रेंड्स की आपने विशेस रिसीव करती हैं, साथ में कोई केक शेक नहीं कटिंग करती? नहीं। वैसे तो हाँ, ये अरीना की बात बिल्कुल सही है कि अब जो केक कटिंग होती है ना वो छोटे बच्चों के लिए होती है, बड़ों की क्या केक कटिंग होगी, है ना जी। मतलब आप मेरी बर्थडे विश नहीं करेंगे मुझे क्या? आप मेरे लिए केक लेकर आए और विश ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं, भाई आप तो एग्जामिनेशन हॉल में होंगी ना वहाँ पे, तो आपको कैसे वहाँ पे आके विश करूँ? नहीं, मैं क्या पूरा दिन तो वहाँ नहीं बैठी रहूंगी ना, 3 घंटे का पेपर है, उसके बाद तो वापस आ जाऊंगी। अच्छा, तो ये सीन है, चले कुछ प्लान्स करते हैं, प्लान्स करते हैं, बल्कि प्लान्स प्लान नहीं करते, प्लान्स करते हैं, काफी सारे प्लान्स हो गए ना फिर, हर एक घंटे का एक प्लान, भाई इस घंटे में हम ये करेंगे, उस अगले घंटे में ये करेंगे। अच्छा ये बताएं कि हमारे शो के आज
गेस्ट तो आ गए हमारे साथ, अरीना खान मौजूद है, ठीक है, माशाल्लाह से बीए कर रही हैं और इतनी इतनी अच्छी हॉबीज की मालिक हैं, इनको क्या कहते हैं गार्डनिंग भी पसंद है, प्लांटेशन भी पसंद है, और इन्होंने क्या क्या बताया था मैं तो थोड़ा सा भूल भी गया हूँ। इनको रेडियो सुनना बहुत पसंद है और हाँ, ये तो हमारी ड्रामा बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं, अपने जो गेस्ट के साथ साथ जो करेक्टर आता है उसको भी बुलवा लेते हैं, क्या ख्याल अक्सा? बिल्कुल, आज हमने जो है अपने कैरेक्टर को बुलाया है और उनका नाम है मोची गुल खान। तो हम वेलकम करते हैं मोची गुल खान को कि वो जब बात करते हैं तो बड़ा बंदे को जो एक फनी सा, यानी कि उनका स्टाइल ही ऐसा है कि बहुत जो है वो बंदे को फन क्रिएट करवाते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और ये हमारे जो है वो शो का फर्स्ट, यानी इस तरीके से बहुत ज्यादा फनी एक कैरेक्टर होगा। हमारे शो का नाम ही कुछ इस तरह का, तो ये आज हमें और भी इसका एहसास होगा कि किस तरीके से ये बात करते हैं। तो उनको वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? अबे उनको पता नहीं, तुमने अभी बताया नहीं मैं क्या करता हूँ। मैंने तो अभी बताया कि आप मोची हैं, तो अपने काम के बारे में थोड़ा नहीं मुझे क्यों पूछ रही हो? तो मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप इसको तफसील से बताएं। अच्छा, ये मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी आवाज की लड़की बैठी हुई है, इनका नाम है अरी, मतलब बहुत प्यारी सी आवाज है इनकी। इसके आपको नाम आवाज है? नहीं, ये बहुत प्यारी आवाज वाली लड़की है और इनका नाम जो है वो अरीना है। तो आइए आप इनसे भी बात कर सकते हैं। अरीना, इनको सलाम करो, पूछ रहे हैं आपके बारे में। पहले से बोल रहे हैं, पहले से सलाम नहीं। भाई कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं एज अ गेस्ट हूँ आपके शो। अरे वाह, मैं भी कहते आया हूँ, कहते आया हूँ। आए आए आए। अच्छा, आपका नाम क्या है लड़की? मुझे आप लड़की बोल रहे हैं? तो मैं तुम्हें क्या लड़का बोलूं? तुम लड़की हो ना? मतलब मैं लड़की हूँ तो इस तरीके से लड़की बोले, ए लड़की। अच्छा, बाजी, वो आपका नाम क्या है आप बता दो। मेरा नाम है अक्सा। अच्छा, अच्छा मुझे आप बताओ, आप अपने मेहमान को चाय पिलाती हो? बिल्कुल पिलाते हैं, आपको पिलाएंगे, आपको पीनी है? हमारे पास तो नहीं है भाई, गलत बात नहीं करो हमारे साथ। हाँ तो अभी थोड़ी देर में आ रही है ना, फिर हम सब मिलकर चाय पियेंगे। हैदराबाद से आ रही है क्या? कहाँ जी? हैदराबाद से आ रही है क्या? नहीं, हैदराबाद से तो नहीं आ रही, कराची से ही आती है। अच्छा चले, ये बताएं कि आप जो है वो अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप काम करते हैं। देखो मैं बताता हूँ अपने काम के बारे में। मैं क्या करता हूँ, पहले एक गाय लेता हूँ, ठीक है, गाय लेने के बाद उसको निभा करता हूँ, समझ आ रही है? क्या करता हूँ बताओ मुझे। आप एक गाय लेते हैं, निभा करते हैं। ये बताओ आप सवाल होगी के मोती का गाय से क्या ताल्लुक? जी बता दीजिए। भाई देखो, आपने मेरे काम के बारे में पूछा तो मैं आपको अपना काम बता रहा हूँ। पहले मैं गाय लेता हूँ, उसको निभा करता हूँ, ठीक है, गोश्त खाना खा जाता हूँ, जब गोश्त खा जाता हूँ तो बहुत तंदुरुस्त हो जाता हूँ। उसके बाद उसके चमड़े से मैं बनाता हूँ कुत्ते का बनाता हूँ, भेड़ने ले बनाता हूँ, छप्पले बनाता हूँ, समझ आई? अच्छा, तो ये कारोबार है। उसके बाद मैं खास तौर पे ना उन जूतों को खुला छोड़ देता हूँ और फिर बेचता हूँ, ताकि जब लोग खरीदे तो थोड़े से खराब हो जाए, जब खराब हो जाए तो फिर उससे जूते सिलवाने आए, समझ आई मेरी इशारा की? अच्छा, तो वैसे आपके पास नहीं आते जब, मतलब वैसे भी तो लोगों के जूते खराब होते होंगे, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या वैसे लोग नहीं आते आपके पास जूते? वो तो मेरा हाइट बिजनेस है ना। अच्छा, आप तो मेरा चमड़े का है, चमड़े का।
अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग आते हैं एक टांग का लगा लो और मुझे बाथरूम में लेते हैं, बाथरूम में क्या होता है आप बताओ। आजकल तो बाथरूम में कोई बच्चा नहीं कहता, वो भी कहता है बाथरूम में दो बाथरूम में, ऐसा ही है ना। क्या क्या आप दोबारा बोले, क्या बोल रहे हैं आप? अबे मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं अभी आपकी आवाज नहीं आई थी ना। मैं कह रहा हूँ देखो, मेंबर लोग आते हैं और कहते हैं एक टांका लगा दो, क्या लगा दो? अच्छा टांका। हाँ और मुझे देते हैं 8 रुपए। कितने रुपए? कितने रुपए दोबारा बताइए। 8 रुपए। 8 रुपए। अच्छा 8 रुपए। हमें 5 रुपए। 5 रुपए। 5 रुपए। हाँ 5 रुपए। तो देखो आप बताओ 5 रुपए में कुछ होता है? नहीं कुछ भी नहीं होता। तो तुमने भी 50 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 150 रुपए, तो मुझे 5 रुपए देते हैं, फिर मैं क्या करूँ? इसलिए मैं ये काम करता हूँ, उनके जूतों को सही तरह सीता ही नहीं हूँ। दोबारा भज्जा दे, दोबारा आते हैं, हर हर एक घंटे में 5 रुपए लेके आते हैं और मुझे दे देते हैं। तो एक बंदे से दिन में 200 रुपए कमा लेता हूँ, इतनी दफा उसके जूते सीता हूँ, इतनी दफा जूते सीता हूँ कि जूता खुद परेशान हो जाता है, इतनी दफा सीएगा मुझे, इतनी दफा। अच्छा मुझे अभी जाना है, मुझे मेरे दुकान में कोई बैठा हुआ नहीं है, मैं बच्चे को बिठा के आया था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसको भी 100 रुपया देना पड़ेगा। तुम लोगों ने तो मुझे कोई बहन नहीं है तुम लोगों ने। ठीक है आपने यहाँ चले, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा। तुम लोगों ने तो मुझे कोई पहने नहीं है ना। आपको पैसे मिल जाएंगे जब जब आप जाने लगेंगे ना, तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपको चाय भी मिल जाएगी, आप बेफिक्र होके जाइएगा। और उम्मीद करूंगी कि आप दोबारा भी आए हमारे शो में। और मैं क्या कंजूसों के हम कंजूस है और क्या है? चाय पिला रहे हो? कोई बिस्किट नहीं, कोई केक नहीं, कुछ भी नहीं। आपने तो चाय की दरख्वास्त की थी। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखो। ओके जी अल्लाह हाफिज। ऐसा ये कौन था ये जो अभी गया है? मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ मोची भाई को, ये तो पता नहीं मिल ही नहीं रहे मुझे तो। मोची भाई कहाँ पे बिठाए वैसे आप लोग? यही तो बैठे हुए थे। ये थे मोची भाई? जी हाँ। मैं तो कब से ढूंढ ढूंढ के भागल हो गया हूँ, ये ऐसे बोल रहे थे ना, ये मुझे समझ आ रही थी, मुझे कुछ लग रहा था, कुछ नड़बड़ लग रही थी, मैं समझा कि यार ये कोई और बंदा होगा शायद, कोई रास्ता भटक गया, लेकिन ये तो मोची निकले। नहीं पता है इस तरह भी लोग बोलते हैं, उनका समझना काफी काफी मतलब समझने में क्रिटिकल होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश की। लेकिन यार मजा आया, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अकीनन बहुत अच्छा करेक्टर होगा, है ना? बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन देखे ना, अल्लाह ताला ने कितने कितने रंग के लोग बनाए, कितने कितने हमें वैरायटीज दी है, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो हरगिज 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 हम लोगों को इन इन जैसे लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, इनका हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए ताकि ये लोग भी एक्टिवली माशरे में पार्टिसिपेट कर सके। क्या कहते हैं आप दोनों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इन लोगों से बात करके इनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। मैं आज काफी बोली हूँ लेकिन अरीना नहीं बोली, तो मैं चाहती हूँ कि अरीना भी कुछ कहे, और हमारे जाने का भी टाइम यकीनन करीब आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट रह गए हैं, तो भाई जल्दी जल्दी अपने बारे में बता दें, जो कुछ कहना कह दें, जो कुछ सुनना है सुन लें हमसे, तो हम फिर जाएं। ताकि अरीना अच्छा अब थोड़ा सा अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि भाई आज आपको शो में आके कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और इंशाल्लाह उम्मीद करें आपके दोबारा आएंगी शो में, या अपना कोई शो लेके आएंगी कि नहीं? जी मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मेरा अपना कोई शो नहीं है। चलो मसला नहीं है, हम क्रिएट करेंगे, हम तो यहाँ पे तालेबिल्म आते हैं, सीखते हैं और अपना शो लेके निकल जाते हैं। कई तालेबिल्म आए हमारे शो में ना, अहमद फराज है, हाँ जिसमें अहमद फराज है, कुरतुलैन अब्बासी है, इरम आरिफ है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं और शायान जो है ना उनके टीचर्स हैं, उनको सिखाते हैं अपने फनी शो से और फिर वो सीख के चले जाते हैं। तो अब उम्मीद करें कि अगली तालिबे इल्म आप हैं हमारी।
जी बिल्कुल मैं हूँ आपकी। जी अरीना हमारे साथ आ सकती हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे इंजॉय करेंगे। किरण आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा, हम लोग का शो सब पसंद करते हैं, जितने भी यहाँ पे आरजेस हमारे साथ शो करके गए हैं ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं हमारे शो पे। जी नहीं अपने अपने कस्टमर घेर रही है। चले जनाब पता भी नहीं चला कि किस तरह वक्त गुजरा आप लोगों के साथ, वही अपनी लाइन में दोहराता हूँ, बल्कि लाइन क्या दोहराना आप लोगों को पता है भाई, क्या आप लोगों ने नई सुबह के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और इसी तरीके से जब जब हम लोग मजे मजे का फन टाइम विद शायान एंड कंपनी करें तो आपको पता चलता रहे कि भाई अब नया एपिसोड आ गया है। तो प्लीज हमें अपने राय से आगाह कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अपना अपने दोस्त अपने होस्ट को याद रखिएगा, अपनी दुआओं में अक्सा को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा और अरीना को तो खास तौर पे याद रखिएगा। बस मुझे थोड़ा सा बहुत बहुत आप ना मुझे चले 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 कोई मसला नहीं, वो बस थोड़ी सी दुआएं भी आपके लिए बहुत सारी हो जाएंगी, आप इतनी सी तो हैं। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अगले शो तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।